हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और परसेंटेज में जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा इसमें 19 देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस यानी 18 तक का क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हमारा बेसिक है उसमें हमने आपको सारी बातें बताई है कि कैसे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कुछ बेसिक फ्रैक्शन भी हमने आपको नोट डाउन कराया हुआ है, जो कि सारा जो वीडियो है वो हमारे एक प्लेलिस्ट में बना हुआ परसेंटेज नाम का। और वो परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, तो आप डायरेक्ट चाहे तो प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उस प्लेलिस्ट का लिंक है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस सारे वीडियो को जरूर देखें, जो क्वेश्चन नंबर इसके पहले यानी 18 तक का जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सारा जो 18 क्वेश्चंस है लैंग्वेज में कराया हुआ है। और वो क्वेश्चंस इस टाइप का है कि वो कहीं ना कहीं आपके रेलवे के या फिर बैंकिंग के या फिर CDS या फिर SSC किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें, आप उससे भी पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए, सारा बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस बेस पे जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परसेंटेज यानी प्रतिशत का जो ये हमारा क्वेश्चन है ये 19 है। पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, क्वेश्चंस थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन उतना बनाने में बड़ा ये नहीं है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, इन अ ट्रेन देयर आर मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन्स कैरी 25%। ठीक है, इज फिल्ड विथ 71/3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर डेट कैन बी अकोमोडेट ऑफ इट हैज मिनिमम 25% सीट ऑलवेज वैकेंट। ठीक है, यदि इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो क्वेश्चन है हिंदी में आप समझें, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितना प्रत्येक डब्बों में सीट, यानी सीट और डब्बा का दोनों का जो नंबर है वो इक्वल है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेन में उतना ही डब्बे हैं जितना है कि प्रत्येक डब्बे में सीट। इन द ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट इन ईच वैगन कैरिड 25% इन फील्ड। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सीट, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, एक डिब्बा में 25 यात्री हैं। ठीक है, एक डब्बा में 25 यात्री हैं और डब्बे की संख्या और सीट की संख्या दोनों इक्वल है, यानी एक डब्बा में उतना ही सीट है। यदि एक डब्बा में मान लीजिए कि एक से सीट है तो जो डब्बे की संख्या है वो भी एक से, यानी सीट एक वैगन में। ठीक है, एक डब्बे में सीट की संख्या और डब्बों की संख्या बराबर है। फिर बोला जा रहा है एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं, ये भी याद रखें कि एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं, उसकी क्षमता का 71/3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रह जाता है। अब आपको बताना है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो 25% है वो 70/3/7% है, तो आपको बताना है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी है जबकि हर वैगन में सभी में 20% स्थान जो है रिक्त रह जाता है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पे यदि बात करें तो नंबर ऑफ सीट इक्वल है नंबर ऑफ वैगन। ठीक है, यानी कि सीट की संख्या और डब्बे की संख्या दोनों बराबर है, ये हम आपको बात लिखती हैं, हम आपको समझने लिखे हैं, आपको एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यदि आप याद करें तो 71/3/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, 71/3/7 का फ्रैक्शन 5/7 होता है, ये आपको बार बार बोलने पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात हो गई। इसके बाद यदि कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी कितना है, यही है ना कैपेसिटी, यही तो जो यात्री की जो कैपेसिटी है यही तो है,
70 यहाँ पे देखें, पर्सन विथ फील्ड 71/3/7 इट्स कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी कितना है 5/7, कितना का 25 का, क्लियर है बात। यानी कि 5 से जो 25 है कितना बार में आएगा, 5 बार में। अब कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, जो कैपेसिटी हो गई वो आपकी, आप याद करें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। यानी कि जब कैपेसिटी हमें पता चल गया कि 35 है तो सीट भी कितना, जब कैपेसिटी पता चल गया तो वैगन्स भी पता चल जाएगा, यानी वैगन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। अब ये क्यों, आप सबसे पहले देखें ना, नंबर ऑफ सीट इक्वल टू नंबर ऑफ वैगन्स, यानी कि जब हम कैपेसिटी यानी सीट पता चल गया कि 35 है तो वैगन्स भी पता चल गया 35 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यदि बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना हो जाएगा, ये तो एक वैगन का सीट निकला ना 35, एक वैगन में यात्रियों की जितनी संख्या है उतना ही पूरे वैगन है, तो एक वैगन में यानी एक डब्बा में 35 सीट है और टोटल कितना वैगन है 35, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट निकालेंगे तो 35 × 35 कितना हो जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 होगा, 1225, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद जो 1225 है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसमें जो सीट है ये तो हम पूरा निकाल ली कितना सीट है, अब इसमें 20% जो सीट है वो हमेशा खाली रह जाता है, 20% जो सीट है आपका वो हमेशा खाली रह जाता है, यानी 20% खाली रहता है, यानी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 20% का कितना होता है 1/5 होता है, तो भरता कितना है, भरता 80% है, भरता 80% है, टोटल 100% की बात की जाती है तो 20% खाली ही रखना है तो 80% भरना है, यानी 20 का यदि आप 80 पे जाएं तो कितना का मल्टीपल है 4 का, यानी इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/5। और ऐसे न करके आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/5 है तो टोटल यदि 1 मान लेते हैं तो 1 - 1/5 तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में मेथड सेम है, कोई इशू नहीं है। यानी कि 80% 4/5 सीट है, ठीक है। तो अब इस 4/5 को जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जब आप करेंगे तो 5 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 24, 245 होगा ना, 245 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो ये आपका आ जाएगा 980। यही आपका जो सीट है, आपसे क्या पूछा जाता है, अधिकतम यात्रियों की संख्या है 980 है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, पहले क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चंस में आपसे सबसे पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि एक डब्बे में उतना ही, एक ट्रेन में उतना ही डब्बा है जितना प्रत्येक डिब्बे में सीट, यानी सीट की संख्या एक डब्बे में और सीट की संख्या एक डब्बे में और डब्बों की पूरी ट्रेन में डब्बों की संख्या बराबर है। साथ में बता रहा कि एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं, एक डब्बा में 25 व्यक्ति हैं, उसकी क्षमता का, जो उसकी क्षमता का 71.3/7 है, जितना 25 है तो 71.3/7 है, यानी कुछ घट रहा है। अब अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है, आपको बताना कि मैक्सिमम कितना स्थान है, मैक्सिमम कितना सीट है पूरे ट्रेन में जबकि 20% हमेशा खाली रह जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, हम कि 71/3/7 का फ्रैक्शन 5/7 होता है, 5/7 उसका भिन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यदि कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी तो यही है ना हमारा, कैपेसिटी यही है 5/7, तो कैपेसिटी इंटू 5/7, और ये कैपेसिटी किसके इक्वल है, 25 के, 25 व्यक्ति के इक्वल है, तो 5 × 5 = 25, 5 बार में, यानी कि कैपेसिटी इक्वल टू कितना हो गया 35। अब क्वेश्चन पे पहले आपको दिया होगा कि जितनी उसकी सीट है उतना उसका वैगन है, यानी एक की कैपेसिटी 35 पता चल गया, यानी सीट पता चल गया, कैपेसिटी यदि बोले हैं तो सीट, आप यहाँ पे सीट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ज़्यादा दिक्कत हो तो, कैपेसिटी मतलब सीट, यानी जब आपको सीट पता चल गया कि एक डब्बा में 35 सीट है, यानी 35 वो डब्बा भी है, वैगन इक्वल टू 35 है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट निकाले हैं, यानी कि एक डब्बा में 35 आदमी है, टोटल 35 सीट, 35 डब्बा है, एक डब्बा में 35 आदमी और टोटल डब्बा 35, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पूरा सीट निकलेगा, यानी पूरा जो ट्रेन में हमारा सीट था 1225 था। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, यदि पूरा ट्रेन की सीट की बात करता तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता,
हमारा आंसर यहीं पे क्लियर था, बट आपसे बोल रहा है कि हर बार 20% उसमें खाली रह जाता है। अब आपके एग्जाम में ये 20%, 40%, 80% जो भी आपको दे, आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझना है क्या करना है। तो 20% हमेशा खाली रह जाता है, तो भरता कितना है? 80% भरता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 80% का फ्रैक्शन 4/5 होता है। क्यों होता है? कि 20 से 80 चार गुना है, तो 1/5 20 है, इससे चार गुना 4/5 हो जाएगा, या फिर 1/5 खाली रहता है तो 1 में भरता कितना है, तो 4/5, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे किया क्या है कि 1225 गुना 4/5 किए हैं, इसको कटाइए तो 245, और 245 को 4 से गुना कराइएगा तो 980 हो जाएगा। यानी जो अधिकतम जो यात्रियों की संख्या है 20% खाली रखने के बाद, उस ट्रेन में जो अधिकतम सीट है वो 980 है, यही हमारा आंसर होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें या फिर नोट स्क्रीनशॉट ले लें।